हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप फॉर लव एंड डिजाइन, एंड मैं हुरिया। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिस मेकअप लुक विथ टॉल आइज एंड स्मज्ड विंग्ड लाइनर। सो अगर आप जानने के लिए इंटरेस्टेड है कि कैसे मैंने इस लुक को क्रिएट किया है, देन इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड उससे पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके पास बेल बटन है उसे भी जरूर हिट कर लें, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिलते रहे एंड मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो गाइस, इस लुक का जो मेन पार्ट है वो है लेंस को अप्लाई कर देना। सो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की लेंस पहले ही अप्लाई कर दिया है, क्योंकि लेंस ही है जो आपके लुक को टोटली चेंज करने वाला है। सो मैंने ऑफ कैमरा लेंस को अप्लाई कर लिया है। एंड इसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया है गुड वाइब्स का रोजिप सीरम। एंड इसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया है एले गर्ल की इल्यूमिनेटिंग प्रो कवरेज फाउंडेशन। और इसे मैंने अपने हाथ पर लेकर एक फ्रेशनर ब्रश की हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई करके एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैबिंग पोर्शन में अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। एंड गाइस, ये वाला फाउंडेशन काफ़ी अच्छा मीडियम टू हाई कवरेज वाला फाउंडेशन है, बिल्कुल हाइड कर देने वाली है आपकी जो स्पॉट्स है एंड जो भी है। सो ये थोड़ा सा मेरी आईब्रो पे लग गया था एंड आप देख सकते हैं वहाँ पे कितना ज़्यादा गैप दिख रहा है। सो इसके बाद मैंने अपने आईब्रोज को फिल कर लिया है स्विस ब्यूटी की आईब्रो पाउडर की हेल्प से। एंड जहाँ जहाँ पे गैप्स है वहाँ पे अच्छे से फिल कर लिया है एंड अच्छे से थिकली मैंने आईब्रो को फिल कर लिया है। एंड सेम तरीके से मैंने यहाँ पे अपनी दूसरी आईब्रो को भी फिल कर लिया है। एंड गाइस, आईब्रो को फिल करने के बाद मैंने इसे सेट कर लिया है एक वाटरप्रूफ मस्कारा की हेल्प से। आप कोई भी मस्कारा अप्लाई कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे विजय वर्ल्ड की मस्कारा यूज़ किया है। सो नेक्स्ट मैंने अप्लाई कर लिया है कंसीलर, और कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबेलिन की फिटमी कंसीलर। सो कंसीलर की हेल्प से मैंने इस तरह की एक फ्लशर ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रो एरिया में एंड अपने आईलाइट एरिया में अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया है। एंड सो थोड़ा सा मैंने अपने आईब्रोज के ऊपर एंड मिडिल में भी अप्लाई कर लिया है। एंड सेम तरीके से मैंने अपनी दूसरे आईब्रो के नीचे एंड आईलेट एरिया पे कंसीलर को अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया है। एंड सेम कंसीलर को मैंने अपनी ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिन, लिप्स के कॉर्नर में, आई अंडर आई में इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। एंड सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। सो गाइस, अगर आपके फेस में कहीं पे भी डार्क स्पॉट्स या फिर कोई भी स्पॉट्स है जो आपको आपकी फाउंडेशन से नहीं हाइड हुआ है, देन उसे हाइड करने के लिए आप कंसीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पूरे मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ किया है स्विस ब्यूटी की मैट प्रेस्ड पाउडर, और ये काफ़ी अच्छा कवरेज वाला प्रेस्ड पाउडर है, दैट्स व्हाई मैंने इसे यूज़ किया। ये थोड़ा सा लाइट शेड है मेरी स्किन टोन से, क्योंकि मैंने जब इसे परचेज़ किया था मेरी थोड़ी सी गलती हो गई थी स्किन टोन इसका जो शेड है वो चूज़ करने में। सो इसके बाद एक स्मॉल बफिंग ब्रश की वजह से मैंने अपने आईलाइट एरिया पे भी सेम कॉम्पैक्ट पे अप्लाई कर ली। सो गाइस, नेक्स्ट आई शेडो के लिए मैंने अभी यूज़ किया है हुडा की न्यू न्यूड आई शेडो पैलेट, और उसमें से ये वाला शेड लेकर एक फ्लफी आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैंने अपने क्रीज लाइन पे इस तरीके से आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर लिया है। एंड सेम तरीके से मैंने अपनी दूसरी आई पे भी अप्लाई कर लिया है एंड ब्लेंड कर लिया है। एंड इसके बाद ये वाला शेड लेकर मैंने अपनी एक फ्लफी प्लाशर ब्रश की हेल्प से आईलिड एरिया पे अप्लाई करके क्रीज लाइन में सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर लिया है। एंड सेम तरीके से मैंने अपनी दूसरे आई पे भी अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया है सेम शेड को। सो गाइस, नेक्स्ट सेम फ्लफी ब्रशर ब्रश की हेल्प से सेम शेड को लेकर मैंने अपनी 1/3 लोअर लैश लाइन पे इस तरीके से अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया है। एंड इसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया है लाइनर, और लाइनर के लिए मैंने अभी इसके स्विस ब्यूटी की जेल आई लाइनर। सो गाइस, इस जेल आई लाइनर को एक एंगल लाइन ब्रश की हेल्प से इस तरीके से सिर्फ जहाँ पे उंट जिस तरीके की उंट लाइनर मुझे ड्रॉ करना है लॉन्ग एंड थिक बस एक बॉर्डर कर लिया है। एंड इसके बाद मॉर्फी की जैकलिन पैलेट से ये वाला ब्लैक शेड एक दूसरे एंगल ब्रश की हेल्प से लेकर जो भी गैप्स है वहाँ पे इस तरीके से फिल कर लिया है। एंड इसके बाद एक स्मॉल पेंसिल ब्रश की हेल्प से इस तरीके से जो लाइनर की लाइन है उसे स्मच कर लिया है। सो गाइस, नेक्स्ट अगेन सेम लाइनर ब्रश की हेल्प से नोज़ को इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेच करके इनर कॉर्नर में मैंने एक लॉन्ग उंट ड्रॉ कर लिया है। एंड उसके बाद इनर कॉर्नर में थोड़ा सा लाइनर को ड्रॉ करके थोड़ा सा गैप छोड़ के आउटर कॉर्नर की तरफ एक दूसरा विंग क्रिएट करते हुए मैंने लोअर लैश लाइन पे इस तरीके से अप्लाई कर लिया है लाइनर को। एंड वाटर लाइन में मैंने अप्लाई कर लिया है मिस क्लियर की व्हाइट ग्लिमर स्टिक। एंड इसके बाद सेम स्मॉल पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैंने थोड़ा सा स्मच कर लिया है लाइनर को। एंड इसके बाद स्विस ब्यूटी की ब्रिक हाइलाइटर पैलेट से ये वाला हाइलाइटिंग शेड एक ब्लशर ब्रश की हेल्प से लेकर जहाँ पे मैंने गैप छोड़ दिया था वहाँ पे अप्लाई कर लिया है। एंड इसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया उतनी वाली की मैक्स वॉल्यूम मस्कारा, और ये काफ़ी अच्छा वॉल्यूमिनस मस्कारा है, आप जानते होंगे कि मेरा फेवरेट मस्कारा है। तो इसके हेल्प से मैंने अपनी अपर एंड लोअर लैशेज़ पर 2 से 3 कोट अप्लाई कर लिया है। एंड इसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया है फॉल्स लैशेज ऑफ कैमरा। एंड उसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया इसी वाला कलर्स की अल्ट्रा प्रो एच डी ब्लश हाइलाइटर कॉन्ट्रो पैनल से ये वाला कॉन्ट्रोटिंग शेड,
और इसके हेल्प से मैंने अपने पूरे फेस को अच्छे से कंट्रोल कर लिया है ताकि मेरा जो फेस है वो थोड़ा सा स्लिम दिखे लाइक एक बर्बी। और सेम कंट्रोलिंग शेड की हेल्प से मैंने एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं अपने नोज़ को कंट्रोल कर लिया है ताकि मेरी जो नोज़ है वो अच्छे से शार्प दिखे एंड थोड़ा सा हाई भी दिखे। एंड इसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया है ब्लशर, और ब्लशर के लिए मैंने अभी उसके मिस क्लियर की प्रोफेशनल मिनरल ब्लशर पैनल, और उसमें से ये वाला न्यूड ब्लश लेकर मैंने एक ब्लशर ब्लश की हेल्प से अपने एपल ऑफ द चिक्स पे अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया है। एंड इसके बाद हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है बटन वाइल की हाइलाइटिंग पैलेट, और इसमें मेरा शेड है प्रीसियस बिटर। सो इस हाइलाइटर को मैंने एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से लेकर अपने पूरे फेस को हाइलाइट कर लिया है एंड सिर्फ मैंने अपनी नोज की टिप पे अप्लाई किया है हाइलाइटर को, आज ब्रिज ऑफ द नोज पे नहीं अप्लाई किया है। एंड इसके बाद एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से सेम हाइलाइटर को लेकर मैंने अपनी आईज़ के इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को भी हाइलाइट कर लिया है। नेक्स्ट मैंने अप्लाई कर लिया है लिक्विड लिपस्टिक, और लिपस्टिक लिए मैंने यूज़ किया है हुडा की लिक्विड लिपस्टिक, और इसमें मेरा शेड बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा था दैट्स व्हाई मैंने फिर से एक एम्स्टरडम की न्यूड लिपस्टिक अप्लाई कर लिया है, और इसमें मेरा शेड है आर्ली ग्लोरी 8। सो गाइस नेक्स्ट मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है ये वाला लिप ग्लॉस ताकि जो लिप्स है थोड़ा सा फुलर दिखे। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइस। सो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो एंड मेरा लुक कैसा लगा, कितना हद तक आपको मेरा आईज़ बार्बी आईज़ लग रहा है जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक इंस्टा ट्विटर एंड टिकटॉक पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।